नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मंदसौर में बीते दिनों चोरी का वाहन छुड़ाने के मामले में लाइन हाजिर हुए आरक्षक को एसपी ने जांच में दोषी पाए जाने के बाद शुक्रवार को बर्खास्त करने के आदेश दिए। उल्लेखनीय है कि बूढ़ा चौकी में पदस्थ आरक्षक देवेंद्र सिंह ने चोरी की बुलेरो वाहन को छुड़ाने के लिए चौकी प्रभारी को मोबाइल पर कॉल किया था। इसी मामले में वो निलंबित था, जिसकी विभागीय जांच हुई, जिसमें आरक्षक देवेंद्र सिंह को दोषी पाते हुए एसपी ने बर्खास्त करने के आदेश देते हुए लिखा कि मादक पदार्थ गतिविधियों में संलिप्त पुलिसकर्मी निलंबित आरक्षक 658 देवेंद्र सिंह को संविधान के अनुच्छेद 311(2) द्वितीय परंतुक खंड ख एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 19(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा से प्रदर्शित की दीर्घाशस्ति से दंडित किया जाता है। जानकारी के अनुसार 27-28 मई को रात्रि बूढ़ा चौकी प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने बूढ़ा बादरी रोड पर नवनिर्मित पंचायत भवन के सामने पुलिस का लोगो लगे बुलेरो वाहन को रोका। वाहन में पीछे सीट नहीं थी। वाहन को डायल 100 का चालक छोटा हिंगोरिया निवासी राहुल सिंह पिता नागू सिंह झाला चला रहा है। चौकी प्रभारी ने वाहन के दस्तावेज मांगे तो दस्तावेज नहीं मिले। वहीं वाहन की नंबर प्लेट भी जांच में फर्जी निकली। इस दौरान चौकी पर पदस्थ आरक्षक देवेंद्र सिंह शक्तावत ने चौकी प्रभारी को मोबाइल पर कॉल कर उक्त वाहन को छोड़ने को कहा तो चौकी प्रभारी इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी। उक्त वाहन में सीटें नहीं थीं, वहीं गाड़ी के कागजात भी नहीं थे। नंबर भी जाँच के दौरान फर्जी निकली। इससे आशंका है कि उक्त वाहन को डोडा चूरा या अन्य मादक पदार्थ की तस्करी में काम में लिया जाने की भी आशंका थी। वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी मिलने के बाद चोरी के वाहन को छुड़ाने के लिए चौकी प्रभारी को कॉल करने वाले आरक्षक देवेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए मंदसौर एसपी ने निलंबित कर दिया था।